हेलो बच्चों, ये आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं इसकी पिक आपको अपलोड कर दूंगा बाद में साथ में क्वेश्चन के। तो पहले इस क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है वो ये है कि ये जो दो पॉइंट इसमें दे रखे हैं एडजस्टमेंट में, ये हमें समझने हैं कि 50% ऑफ़ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। मतलब जो एंट्रेंस फीस हमें दे रखी होगी उसका हाफ आपको कैपिटल नेचर का मान के चलना है और हाफ आपको रिवेन्यू नेचर का मान के चलना है। हाफ एंट्रेंस फीस बैलेंस शीट में जाएगी और हाफ फीस आपकी एंट्रेंस फीस आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है, ये जो ऊपर दे रखी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000 की, ये क्या करना है कि आपको इसका 10% जनरल डोनेशन एज्यूम करके चलना है, लेकर चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल डोनेशन मतलब रिवेन्यू नेचर का, तो टोटल डोनेशन में से 10% आपकी जो डोनेशन होगी वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, क्योंकि वो जनरल डोनेशन की तरह ले लेनी है आपको। यानी कि बाकी की बची हुई कैपिटल नेचर की रहेगी, तो इसलिए वो जो डोनेशन होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो 10% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी बची हुई 90% पार्ट आपका बैलेंस शीट के अंदर। तो ये कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और बाकी हम क्वेश्चन करते करते साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं बना रहा हूँ वो तो आपको पता ही है कि क्रॉस बनाना है। रिसीट वाली साइड इधर ये पेमेंट इनकम में चली जाएगी और ये पेमेंट वाली साइड इधर एक्सपेंडिचर्स में चली जाएगी। तो एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बनाना क्या है, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो जो पेपर आते हैं नॉर्मली, उसमें ये भी देखा गया है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको आता है सीधा, उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला जाता है, बैलेंस शीट साथ में बनाने के लिए नहीं बोली जाती हैं। तो एज सच ऐसा भी क्वेश्चन हमें यह पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अब एक एक करके चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग है, देखो ये कैपिटल नेचर की है तो ये नहीं आएगी। मैच एक्सपेंसेस ये आएंगे, हमने 450 ले लिए। उसके बाद है हमारा फर्नीचर, ये भी कैपिटल नेचर का है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट ये भी कैपिटल नेचर की है, वो नहीं आएगी, बट इन्वेस्टमेंट 10% है तो इसकी हिडन एडजस्टमेंट हमेशा रहेगी इंटरेस्ट की, वो हम बाद में करेंगे जब इंटरेस्ट आएगा रिसीट साइड में तब करेंगे। उसके बाद सैलरीज़ हैं, और सैलरीज़ में आप देखो तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमने प्लस माइनस की हुई हैं, ये हमें यहाँ नीचे दी हुई हैं। सैलरीज़ आउटस्टैंडिंग 1/18 की इतनी थी, यानी कि प्रीवियस ईयर की, और करंट ईयर की 250 इतनी है, तो ये हमने एज़ इट इज़ प्लस माइनस कर रखी हैं। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस का, ये नॉर्मल है, ये हमने ले लिया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, वो भी हमने ले लिए। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं इनकम साइड में। यहाँ ध्यान से देखो कि बैलेंस बीटी हमारा आपको पता ही है, ये कैश का बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट में जाता है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल नेचर की है, बट नीचे उसकी एक एडजस्टमेंट है, उसके बेस पर हमने कुछ ना कुछ वो करना है। वो 10% वाली जो बात थी, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कैपिटल नेचर की है, ये नहीं लेंगे। रिसीट फ्रॉम फुटबॉल मैचेस ये ले लेंगे, ये देखो यहाँ पे रिसीट फ्रॉम फुटबॉल मैचेस ये हमने ली हुई है। उसके बाद बात आती है सब्सक्रिप्शन की, ये भी नॉर्मल आपकी रिवेन्यू नेचर की आइटम है। बट आप इसका नीचे ज़रा ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 द क्लब हैज़ 300 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप समझ के चलना, आपका जब ये आ जाए मेंबर्स वाली बात, तब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गलत हो ही नहीं सकता सिर्फ सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन की वजह से। रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन की वजह से गड़बड़ होती है। तो यहाँ आप देखो सिंपल सीधा क्या करना है, हमने सब्सक्रिप्शन लिया, 300 × 10 कर दिया कि 3000 ले लिया, 2600 का यहाँ सोचना भी नहीं है, ठीक है। रीज़न ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के जितनी इनकम बनती हैं वो लेनी होती हैं, और करंट ईयर के जितने एक्सपेंडिचर बनने होते हैं वो लेने होते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं होता एक्चुअल में कि 2600 मिला है, ये 3000 है, इसका क्या मतलब है, ये दो दो अमाउंट क्यों हैं। अब मैंने नीचे थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन की है, हालाँकि इस क्वेश्चन से हटके है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आपको ये कंपेरिज़न पता चले
ताकि हम ये क्यों अमाउंट ले रहे हैं, जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन बनती है पूरे साल की वो 3000 है मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ लेनी है ऊपर। एक्चुअली जो रिसीव हुई है, जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है 2600, वो एक्चुअली में रिसीव हुआ है आपको कैश में, यानी कि 400 रुपये आपको साल के नहीं मिले, तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिया, करना भी नहीं है। हमेशा जब भी मेंबर्स दिए हों और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दी हो, तो सीधा मल्टीप्लाई करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। ये आप रूल बना लो, इससे ये होगा कि आपका एटलीस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। ये जो नीचे कैलकुलेशन है, ये आपका आउटस्टैंडिंग निकालने में हेल्प कर देगी, जो आपको सीधा बैलेंस शीट में ले जाना होगा। ठीक है, और बैलेंस शीट इसमें बनानी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो कितना देखो आसान हो जाता है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, लोकल रेंट नॉर्मल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आती है बात इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, 120। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें 10%। जरा नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, अब ये डेट ऐसी दे रखी है 1/9/18, इसका मतलब अब ये हमने 5th मंथ में खरीदी है, तो 7 मंथ्स अभी बचे हुए हैं, यानी कि आपने ये इन्वेस्टमेंट 7 महीने पहले खरीदी है क्लोजिंग होने से पहले, तो इसका मतलब ये 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा आपका। तो 8000 इंटू 10% जो इंटरेस्ट रेट है, इंटू 7/12 करके ये 467 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनता है। एक्चुअली में इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, वो ये 120 है रिसीट साइड में जो दे रखा है, इसका मतलब माइनस करके 347 रुपीज़ ये अक्रूड इंटरेस्ट है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट यहाँ बनानी नहीं है, फिर भी एक ये कैलकुलेशन करके कंपेयर करके बताया है, ताकि आप सही तरीके से इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लो। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ 120 हमने रिसीट एंड पेमेंट से उतारा, एड एक्रूड किया, फिर वही फाइनली 467 रुपीज़ का अमाउंट आ गया। फिर बार बार मैं कहूँगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या करता है, एक्चुअल टोटल अमाउंट लेता है, वो ये नहीं देखता कि कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ, एक्चुअली कितना बनता है वो अमाउंट लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये ऐड किया, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन सीधा मल्टीप्लाई करके ले ली हमने। उसके बाद आता है आपका सेल ऑफ द न्यूज़पेपर, 80 रुपीज़ ये एज इट इज़ ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्रेंस फीस जो ली है उसका देखो हमने ये क्या पार्ट लिया है, 50% पार्ट लिया है। अभी ये डोनेशन भी पड़ी है, ये भी डिस्कस करता हूँ। एंट्रेंस फीस 50% लिया, 3000 एंट्रेंस फीस थी, पर 50% लिया क्योंकि यहाँ नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, तो उसको कैपिटल नेचर का लेके चलना है, इसलिए वो सीधा बैलेंस शीट में जाएगी 50%, यानी कि 3000 में से 50% 1500 तो जाएगी बैलेंस शीट में, और 1500 रिवेन्यू नेचर का मान के चलना है तो यहाँ पे। इसी तरह से डोनेशन का हमें पॉइंट दे रखा था कि 10% ऑफ द डोनेशन इज़ टू बी टेकन एज द जनरल डोनेशन, तो सिर्फ इसका 10% ही जनरल डोनेशन है। 25,000 का 10% बना 2500 रुपये, तो वो जनरल डोनेशन आपको मान के चलनी है, बाकी की डोनेशन आपकी कैपिटल नेचर की हो जाएगी, वो बैलेंस शीट में गई होगी सीधा। तो ये बाकी सारे यानी कि हमने क्वेश्चन से अमाउंट यहाँ पर ले लिए सही तरीके से, और इसके बाद प्लस माइनस करने के बाद आपका ये सरप्लस निकल के आ गया। थैंक यू।